नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रोजादारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। वफाकी काबीना की तश्कील के बाद रमजानुल मुबारक में आवाम को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म ने ईद तक आटे और चीनी की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। रिपोर्ट करेंगे सिद्रा आसिफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना की तश्कील के बाद सबसे पहले रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ देने के लिए पहला कदम उठाते हुए आटे और चीनी की कीमतों के नर्ख कम करने की नवीद सुना दी। वज़ीर आज़म ने ईद तक 10 किलो आटे के थैले की कीमत 550 रुपए से कम करके 400 रुपए मुकर्रर कर दी, जबकि रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर में फी किलो चीनी की कीमत 75 रुपए से कम करके 70 रुपए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी। इस खबर से आवाम ने सुख का सांस लिया। यह तो बहुत ज्यादा खुशी की खबर है। देखिए महंगाई के पिछले हुए आवाम जो है उनको एक एक रुपया भी उनके लिए अहमियत रखता है, तो 400 रुपए एक चीज पे कम हो जाना वेरी नाइस। खादमे पाकिस्तान हो गए हैं, पहले खादमे आला पंजाब थे, अब खादमे आला पाकिस्तान हो गए हैं। जो इनका ऐलान है वो खुश आए हैं, बेहतर रिलीफ दे रहे हैं, लग रहे और भी आगे दें ताकि वहाँ को कुछ फोन का सांस भी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाकी सूबे भी ये कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। उन्होंने हिदायत की कि सूबा पंजाब आटा और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर की इमदाद करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि वफ़ाक़ी हुकूमत जरूरत के मुताबिक बलूचिस्तान को इजाफी अदायगी करेगी। ईद की आमद आमद है, ऐसे में पंजाब की आवाम के लिए सस्ते आटे और चीनी की कमी का ऐलान किसी खुशगवार एहसास से कम नहीं। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।